हेलो फ्रेंड्स, आई एम बर्नाली और आज हम लोग सीखेंगे कैसे स्ट्रॉबेरी बनता है क्रॉचेट में। इसके लिए पहले एक स्लिप नॉट बनाइए। स्लिप नॉट बना के चेन फोर, 1, 2, 3, 4 फिर जो सेंटर है, फर्स्ट स्टिच है, उसमें एक स्लिप स्टिच। तो सेंटर में एक छोटा सा होल हुआ, फिर चेन 1 और ये होल में आप 6 चेन बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स चेन। अभी सिक्स चेन बनाने के बाद फिर ये सिक्स चेन के ऊपर एक और बार सिक्स चेन बनाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। अभी क्या करना है, अभी जो सिक्स चेन है, हर एक सिक्स चेन के ऊपर दो दो सिंगल क्रोशे बनाइए। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी ये जितना स्टिचेस हुआ, ये सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे का एक लाइन होगा। अभी इतने दूर बनाने के बाद ये ऐसा टोपी जैसा हुआ। इतने दूर बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। अच्छा, जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंगल क्रोशे, वहाँ पे मैं ये मार्कर लगा के रखती हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर दो,
फिर एक, फिर दो, ऐसे करके पूरा राउंड बनाइए। एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशे। ये बनाने के बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशे बनाइए, फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक साथ दो सिंगल क्रोशे एक ही चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशे, ऐसे करके एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, दो सिंगल क्रोशे। ये बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो रो होगा उसमें होगा, तीनों में होगा एक एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। जो फोर्थ चेन है उसमें होगा दो सिंगल क्रोशे। ये रो बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। अभी इतना दूर बना है, इसमें क्या किया, लास्ट जो रो मैंने बनाई उसमें किया तीन चेन में एक सिंगल क्रोशे करके बनाई, फिर फोर्थ चेन में दो सिंगल क्रोशे बनाई, ये लास्ट था। इसके बाद सब रो में क्या होगा, एक ही सिंगल क्रोशे होगा, हर एक घर में एक सिंगल क्रोशे, हर एक घर में एक सिंगल क्रोशे करके आपको जितना इसका लेंथ चाहिए स्ट्रॉबेरी का, जितना बड़ा स्ट्रॉबेरी आपको चाहिए वो उतना दूर तक बनाएंगे। फिर बनाने के बाद आपको बताती हूँ। इसमें क्या करेंगे, हर एक घर में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये बनाने के बाद आपको बताती हूँ। सिंगल क्रोशे का 12 लाइन बनाने के बाद इतना बड़ा हुआ है। मैं आप थोड़ा छोटा बनाएंगे तो सिंगल क्रोशे का जो लाइन है वो 8 लाइन बना सकते हैं। मैं थोड़ा लंबा बना रही हूँ इसीलिए सिंगल क्रोशे का 12 लाइन बनाया। अभी ये इतना दूर हुआ है, ये मार्कर दिया था मैंने, तो इसके बाद घर घटाएंगे। जितना घर है इसको थोड़ा शेप देना है स्ट्रॉबेरी का, घटाएंगे। इसके लिए करेंगे क्या, वन सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे, तीन घर में तीन सिंगल क्रोशे। फिर जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे आएगा उसको एक साथ दो घर को कम करेंगे, तो निडल में तीन घर है, एक साथ एक सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। फिर जो नेक्स्ट होगा सॉरी नेक्स्ट जो दो घर होगा उसको एक साथ बंद करेंगे, तो एक घर कम हो गया। ऐसे करके पूरा राउंड हम लोग करेंगे, एक एक और दो को एक साथ बंद, तीन। ये पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये लाइन बनाने के बाद आप करिए, एक घर में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड घर में एक सिंगल क्रोशे, और थर्ड घर में और फोर्थ घर में हाफ हाफ सिंगल क्रोशे बुनकर तीनों को एक साथ बंद करिए। फिर दिखाती हूँ, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे टुगेदर, ये लाइन करके आपको दिखाती हूँ।
इतना बनाने के बाद हम स्ट्रॉबेरी का ऊपर स्किन में जो दाग होता है ना, हल्का सा वाइट वाइट, वो बनाएंगे। इसके लिए नीचे कहीं पॉइंट से एक वाइट धागा लो, फिर ऊपर ऐसा ये छोटा छोटा स्ट्रॉबेरी का जो दाग होता है स्किन का, वो बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का बॉडी का जो स्किन का जो मार्क होता है। ऐसे इसका मार्क देते हैं। ये बनाने के बाद अंदर से इसको लॉक करेंगे, लॉक करके ये धागा को अंदर ही रखेंगे। फिर ये है सिंथेटिक कॉटन, ये सिंथेटिक कॉटन को इसमें घुसाएंगे। अच्छे से इसको ये स्ट्रॉबेरी का शेप देने के लिए ये सिंथेटिक कॉटन को घिसाएंगे। थोड़ा और चाहिए, ये कॉटन आपको क्राफ्ट के दुकान में ही मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ पे रजाई बनाते हैं वो लोग भी आजकल ये कॉटन रख रहा है। फिर इधर से करेंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, ये बनाएंगे पूरा रो। एक सिंगल क्रोशे, फिर टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, एक सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, एक सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे टुगेदर। होल इतना छोटा हो गया, जब इतना छोटा होल हो गया तब हम करेंगे हर एक घर में टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, और एक सिंगल क्रोशे नहीं बुनेंगे। टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, ऐसे करके पूरा ये बंद हो जाएगा। मुँह पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए स्ट्रॉबेरी बन गया, अभी बनेगा इसका ऊपर का लीफ। ये लीफ बनाने के लिए हम पहले एक फोर चेन का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के बाद पहले स्लिप नॉट करिए, स्लिप नॉट करके चेन फोर, वन टू थ्री फोर, चेन फोर बनाने के बाद सेंटर में फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करिए, फिर चेन वन,
फिर सेंटर में पांच सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5। इधर जगह है तो हम एक और बनाते हैं, उसको एडजस्ट करेंगे बाद में। 6 फिर जो फर्स्ट चेन था उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन। अभी हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स चेन। फिर फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5 स्लिप स्टिच हुआ। फिर इसका बेस में एक सिंगल क्रोशे, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशे, फिर सिक्स चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, 6 सिक्स चेन के बाद सेकेंड चेन में, थर्ड चेन में, सॉरी सेम प्रोसेस, ये पूरा ऐसे ही करके पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। ये है लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, ये है सिक्स्थ। 6 चेन बना के हर एक नेक्स्ट 5 चेन में एक एक स्लिप स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल क्रोशे एट द बॉटम और स्लिप स्टिच से इसको फिनिश करो। फिर थोड़ा लंबा धागा छोड़ के इसको कट करो। नेक्स्ट ऐसे अभी ये जो स्ट्रॉबेरी है इसके ऊपर इसको ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने से ये स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो जाएगा। रन स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। इधर हो गया आपका स्ट्रॉबेरी। थैंक यू। अभी इसमें की रिंग लगाएंगे। ये की रिंग के लिए बना रहे हैं हम, इसीलिए धागा छोड़ के रखे हैं, नहीं तो आप काट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी बनके तैयार है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।